वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कथा है महाभारत की, आप लोग भली भांति जानते होंगे कि हमारे खाटू श्याम बाबा से लेकर और महाभारत का क्या रिश्ता है, क्या रहस्य है। आज इसी पर एक छोटी सी चर्चा करेंगे कि खाटू श्याम बाबा और महाभारत का क्या रहस्य है। आप लोग भली भांति जानते ही होंगे और कुछ लोग नहीं जानते, भगवान श्री कृष्ण का नाम है खाटू श्याम। भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां बर्बरिक में कैसे आई और क्या रहस्य है कि बर्बरिक राक्षस योनि में जन्म लेकर भी खाटू श्याम बाबा बनने तक की कथा आप सब लोगों के समक्ष रखने के लिए आज मुझे आपने अनुरोध किया, तो आज आपके लोगों के बीच में खाटू श्याम बाबा कैसे बने बर्बरिक, इसकी कथा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कथा इस प्रकार से है कि महाभारत का युद्ध होने से एक दिन पहले सारे योद्धा एकत्रित हुए, उनमें घटोत्कच, आप लोग जानते ही होंगे, भीम का पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक सारे इकट्ठे हुए, तो युद्ध की गणना की जाने लगी कि युद्ध कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। इसी चर्चा पर जब अर्जुन से यह प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण ने कि युद्ध कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो अर्जुन कहने लगे 15 दिन में। उसके बाद में जब यह प्रश्न घटोत्कच से पूछा गया तो घटोत्कच ने कहा 2 दिन, और उनके पुत्र बर्बरिक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कुछ ही पलों में यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि हारे का सहारा आज भी मशहूर है, हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा। तो खाटू श्याम बर्बरिक जी कैसे बने, यही वो रहस्य है। दूर व्यापी विष्णु भगवान स्वरूप श्री कृष्ण अवतार में जब धरती लोक पर आए और महाभारत का युद्ध में वे सारथी बने, बिना अस्त्र शस्त्र के उन्होंने पांडवों को ये युद्ध जितवाया। इसमें माया और ज्ञान की बुद्धि के कारण ही यह युद्ध पांडव जीत पाए। अगर इस बुद्धि में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ ना होते तो ये युद्ध जीत कर भी पांडव हार जाते अगर बर्बरिक जिंदा होते, क्योंकि बर्बरिक को यह वरदान था कि जो भी पक्ष कमजोर होगा उसका तुम्हें साथ देना होगा। इसीलिए कहते हैं हारे का सहारा। दूर व्यापी श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि बर्बरिक को यह वरदान है कि पल भर में पूरी सेना का विनाश हो जाएगा, लेकिन जब पांडव यह युद्ध जीत जाएंगे तो उनका भी विनाश करने के लिए बर्बरिक काफी है, क्योंकि जो पक्ष
भारी हो जाता है उसका सर्वनाश स्वयं भगवान विष्णु। यूं कहें खाटू श्याम बाबा को वरदान था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण दूर व्यापी दृष्टि से देख सकते थे, तो उन्होंने देख लिया था कि ये युद्ध पांडव हार कर भी, अर्थात कहने का मतलब है कि पांडव अगर युद्ध जीत भी जाते हैं तभी भी हार जाएंगे। तो भगवान ने एक रचना रची और बर्बरिक की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और बर्बरिक भ्रमण के लिए निकलते हैं। संध्या का समय होता है, तो परीक्षा लेने के लिए बर्बरिक को चुना भगवान श्री कृष्ण ने और कहा, बातों से कुछ नहीं होता, कुछ करके दिखाओ। बर्बरिक ने अपने तीर से पीपल के वृक्षों को भेद दिया। दूसरा बाण चलाते ही वह सारे पत्ते धरती पर गिर गए। उनमें में से एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों के नीचे दबा दिया। वह तीर घूमते हुए भगवान कृष्ण के चरणों पे आ गया। जैसे ही चरणों पे आया, बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके चरणों के नीचे एक पत्ता छिपा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। अब भगवान ने बर्बरिक की बलि का फैसला सोच रखा था, क्योंकि मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के अवतार में बर्बरिक का मुक्ति भी होनी थी। भगवान श्री कृष्ण ने एक संरचना रची और कहने लगे कि बर्बरिक, ये जो धरती है, माता जो है एक बलि चाहती है। बलि देने के लिए तीन ही पुरुष इस पृथ्वी लोक पर विराजमान हैं। उनमें में से एक मैं हूं, दूसरा अर्जुन और तीसरे तुम। तो अर्जुन कहने लगे, तो इसमें क्या बात है, मैं अपनी बलि दे दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि यह युद्ध अगर पांच पांडव के लिए है, अगर एक भी कम हो जाएगा तो यह युद्ध जीता नहीं जा सकता। तुम्हारा होना बहुत जरूरी है, इसकी बलि मैं दे देता हूं, क्योंकि मैं तो वैसे ही किसी काम का नहीं हूं। देखिए प्रभु कैसे लीला रच रहे हैं। प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं किसी शस्त्र को उठा नहीं सकता, तो मैं क्यों ना अपने प्राण दान दे दूं। तब बर्बरिक कहते हैं, हे विष्णु भगवान, हे खाटू श्याम, यह काम मैं करूंगा, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूं। बर्बरिक जी ने तलवार निकाली और कृष्ण भगवान को सौंप दी और कहने लगे कि मैं अपनी बलि देने को तैयार हूं और आप मेरी बलि स्वीकार करें। आप अपने हाथों से मेरी गर्दन को धड़ से अलग कर दीजिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि स्वेच्छा से दिया हुआ दान लगता है। अगर मैंने तुम पर इस तलवार से वार किया तो तुम्हारा वध हो जाएगा और वध बलि स्वीकार नहीं करेगा, यह तुम्हें कार्य स्वयं करना होगा। बर्बरिक ने एक तीर चलाई और तीर का सीधा निशाना उनकी गर्दन पे लगा। गर्दन और धड़ अलग हो गए।
धरती पर गर्दन गिरने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों में ले लिया। तभी इस बात की सूचना पूरे कौरव और पांडवों में लग जाती है कि बर्बरिक का अंत हो गया है। युद्ध शुरू होने से पहले दोनों खेमों में हलचल बढ़ जाती है कि क्या कारण था। यह तपोभूमि है, भारतवर्ष है, यह बलिदान की भूमि है, हमें इसी संसार में बर्बरिक से जिसे सीखना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से अपना बलिदान देकर मानव जन कल्याण की सेवा की और उन्हें इस स्वरूप में क्या वरदान मिला। यही वो कथा है जिससे बर्बरिक जी को खाटू श्याम की उपाधि भी मिली। खाटू श्याम, श्याम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है। जब दोनों खेमों में हलचल बढ़ गई तो पांडव पहुंच गए और श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे कि प्रभु आपने ये क्या कर दिया। घटोत्कच भी आए और उन्होंने कहा कि आपने ये क्या कर दिया, मेरे पुत्र की हत्या। तभी आकाशवाणी हुई, तभी माता जगदम्बा प्रकट हुई और कहने लगी कि घटोत्कच दुख मत करो, तुम्हारे पुत्र को मुक्ति मिली है। भगवान श्री कृष्ण माता को कहते हैं कि बर्बरिक के सिर को अमृत से सींच दो, क्योंकि ये एक भक्त का, सच्चे भक्त का सिर है जिसे उसने अपनी स्वेच्छा से मुझे अर्पण किया है, और इस शरीर को, सिर को अजय और अमर कर दो। माता ने खाटू श्याम बाबा के सिर को अजय और अमर कर दिया और माता चली जाती है। बर्बरिक जी जीवित हो उठते हैं और मुंह से निकालते हैं जय खाटू श्याम बाबा, और यही नाम भगवान विष्णु ने, विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरिक को दिया और कहा कलयुग में जो भी तुम्हारा नाम लेगा उसे दुख छू नहीं सकता, मेरे बराबर की शक्तियां और मेरा ही नाम कलयुग तक तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या वर मांगना चाहते हो। तब बर्बरिक जी कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा देह संस्कार आपके हाथों होना चाहिए और दूसरा मैं महाभारत युद्ध देखने आया था, तो ये मेरा सपना पूरा कीजिए। प्रभु ने कहा तथास्तु, तुम्हारे दोनों वरदान मैं वर देता हूं कि कलयुग के अंत तक तुम जिंदा रहोगे और एक पहाड़ी के ऊपर विराजमान कर दिया उनके सिर को, आज भी विराजमान है खाटू श्याम बाबा। तो ये वो कथा है जो हमें खाटू श्याम से मिलवाती है। बर्बरिक जी एक राक्षस योनि में जन्म लेकर भी किस प्रकार से अपना बलिदान दिया और पांडवों की भी रक्षा हुई और नारायण सेना की भी रक्षा हुई, क्योंकि खाटू श्याम बाबा को यह वरदान था कि जो भी प्राणी कमजोर होगा उसका साथ वह हमेशा देंगे। इसीलिए तो कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम। तो खाटू श्याम बाबा की यह कथा सुनकर आप लोग आनंदित हो उठे होंगे कि खाटू श्याम बाबा आज भी कलयुग में जीवित हैं, हम जन कल्याण मनुष्यों के लिए कलयुग के अंत तक विराजमान रहेंगे।